देख सकते हैं दोस्तों, जितना हम फाइल को डिलीट किए हैं ये सब यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन दोस्तों ये गैलरी में नहीं शो कर रहा है। 372 आइटम सेलेक्टेड, यानी जितना मेरे पास फोटो और वीडियो डिलीट किए हैं सबको हम एक ही बार में सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे दो ऑप्शन खुल कर आएगा, रिस्टोर 372 आइटम, तो दो सेकेंड के लिए ये रिस्टोरिंग करेगा और सब फोटो यहाँ से गायब हो जाएगा, फोटो आपका गैलरी में 100% चला गया। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, फिर से मेरा जिस तरह गैलरी में फोटो था फाइल बाई फाइल सभी यहाँ पे चला। दोस्तों आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि आपके गैलरी से टोटल फोटो डिलीट हो गया है या 10-15 फोटो डिलीट हो जाता है, या गैलरी से कुछ वीडियो रहता है, कोई इम्पोर्टेंट वीडियो सब ये रहता है, अगर ये भी डिलीट हो जाता है तो इसको एक क्लिक में कैसे सभी को वापस आप ला सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ये सब कुछ इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली करके सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको मिनिमाइज करते हैं, उसके बाद कट कर देते हैं, उसके बाद दोस्तों गैलरी हम ओपन करते हैं और जितना गैलरी में मेरा फोटो और वीडियो सब पड़ा हुआ है इस सब को हम डिलीट करके फिर उसको वापस हम लाएंगे मात्र एक क्लिक में। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ ऑल फाइल मेरे पास 371 आइटम्स है, यानी फोटो और वीडियो सब मिलाकर 371 फाइल मेरे पास है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कैमरा में दो फाइल है, वीडियो मेरे पास 68 को वीडियो है, स्क्रीनशॉट 71 को है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों रिस्टोरेड में 2 फाइल है, पिक्चर में 64 है, डाउनलोड में 36 है। ये सब दोस्तों आप देख लीजिएगा, उसके बाद हम इसको सबको डिलीट करेंगे, इसके बाद आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि नहीं आप गलती तरीका से बता रहे हैं। तो दोस्तों सब ये आप देख लीजिए पहले, उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ऑल आइटम्स, अगर चाहे तो हम यहाँ से एक एक फाइल को डिलीट करके भी दिखाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम कुछ वीडियो यहाँ पे देख सकते हैं, 68 है, वीडियो फाइल ओपन करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम टोटल वीडियो को सेलेक्ट करेंगे। अब किसी भी एक वीडियो पे 2 सेकंड के लिए दबाए रखिए, ये सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद यहाँ सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे क्लिक कर देना है, उसके बाद यहाँ से हम देख सकते हैं डिलीट ऑल कर दे रहे हैं। देख सकते हैं दोस्तों मेरा वीडियो फाइल डिलीट हो गया। तो दोस्तों मेरे पास कितना बच गया, 68 फाइल डिलीट कर दिए, उसके बाद दोस्तों यहाँ ऑल में देखें तो 303 फाइल बच गया। अब चलिए हम पूरी को एक बार डिलीट करेंगे, तो 2 सेकंड के लिए किसी एक फोटो पर या वीडियो पर दबाए रखेंगे, उसके बाद ऑल सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इस सभी को हम डिलीट कर देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये डिलीट हो रहा है, 1-2 सेकंड लगेगा, डिलीट हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं दोस्तों रिसेंटली डिलीटेड 372 फाइल मेरे पास था, ये सब डिलीट हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ से हम कट कर देते हैं, कट करने के बाद क्लोज ऑल पे हम क्लिक कर देते हैं, मेरा सब टैब क्लोज हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ फोटोज पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों नो फोटोज का ऑप्शन आ रहा है, ना कोई वीडियो शो कर रहा है ना कोई फोटो शो कर रहा है। एल्बम पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ जितना फाइल मेरे डिलीट हो गया वो शो कर रहा है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं एक्सपोल पर भी क्लिक करेंगे तो ये इसमें भी कुछ शो नहीं कर रहा है। चलिए हम फाइल मैनेजर में भी आपको चेक करा देते हैं। तो देख सकते हैं मेरे फाइल माई फाइल्स का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देख सकते हैं फोटो 0 बता रहा है, वीडियो 0 बता रहा है, ऑडियो 0, यहाँ डॉक्यूमेंट 5 है, डॉक्यूमेंट को हम डिलीट नहीं किए हैं, एपीके 0, मैंने जितना कुछ है सब 0-0 बतला रहा है, यानी सब 0 हो गया, सभी को हम डिलीट कर दिए। अब दोस्तों इसको लाना कैसे है, इसको लाना मात्र एक क्लिक में हम सभी को ला सकते हैं। तो जहां से डिलीट कर रहे हैं वहीं से फोटो मेरा वापस चलाएगा। तो यहां फोटोज को ओपन करते हैं, जो गैलरी है गैलरी को ओपन करते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ फोटोज में देख सकते हैं नो फाइल है, एल्बम पे क्लिक करते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं रिसेंटली डिलीटेड का ऑप्शन मिल रहा है। तो दोस्तों मेरे पास कितना फाइल था, 372 फाइल पहले था और सभी को हम डिलीट कर दिए दो बार में, एक बार में भी हम डिलीट कर सकते हैं और 5 बार जितना फाइल है हम बारी बारी से भी डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे गैलरी से जितना भी फोटो अगर डिलीट हो गया है, गैलरी से हम 372 आइटम यानी फोटो और वीडियो मिलाकर हम डिलीट कर दिए, यानी टोटल मेरा गैलरी खाली हो गया। यहाँ पर शो कर रहा है कि कितना फाइल हम डिलीट कर दिए, वो भी शो कर रहा है। अगर गैलरी से आपका 10-5 फोटो अगर डिलीट हो जाता है या 10-20 वीडियो भी डिलीट हो जाता है तो उसको कैसे वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों इसको लाने के लिए बहुत आसान ट्रिक है, तो वहीं दोस्तों इसको मिनिमाइज करते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ फोटो फाइल या हो सकता है आप में गैलरी शो करता हो, तो इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ एल्बम पे क्लिक करेंगे,
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रिसेंटली डिलीटेड का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें जितना फाइल अगर डिलीट हुआ रहेगा ये रिसेंटली डिलीटेड में शो करता रहेगा। तो सिंपल इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों जितना हम फाइल को डिलीट किए हैं ये सब यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन दोस्तों ये गैलरी में नहीं शो कर रहा है। तो दोस्तों इसको लाने के लिए किसी एक फोटो पर हम 2 सेकंड के लिए क्लिक करके रखेंगे। तो क्लिक जैसे करेंगे ये सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं सेलेक्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन मिल गया। तो दोस्तों हो सकता है आप में सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन अगर नहीं मिलता हो तो 3 डॉट का आपको ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, उसमें ऑप्शन खुल के आएगा सेलेक्ट ऑल का, उस पर क्लिक करके पूरी जितना फोटो है और वीडियो सबको ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ दोस्तों शो देख सकते हैं शो कर दिया 372 आइटम सेलेक्टेड, यानी जितना मेरे पास फोटो और वीडियो डिलीट किए हैं सबको हम एक ही बार में सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं नीचे आइएगा तो रिस्टोर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा और दूसरा ऑप्शन परमानेंटली डिलीटेड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको परमानेंटली डिलीटेड पर नहीं क्लिक करना है, आपको रिस्टोर पर क्लिक करना है ताकि फिर इसको वापस लाना है। तो रिस्टोर पर हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन खुल कर आएगा, रिस्टोर 372 आइटम। तो मेरे पास 372 आइटम डिलीट किए हैं फोटो और वीडियो को मिलाकर, तो उतना बता रहा है, हो सकता है आप में इससे ज्यादा हो कम हो। तो दूसरा ऑप्शन दोस्तों मिल रहा है कैंसिल का, तो कैंसिल पर क्लिक नहीं करना है, रिस्टोर 372 आइटम इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिएगा 2 सेकंड के लिए ये रिस्टोरिंग करेगा और सब फोटो यहां से गायब हो जाएगा। तो दोस्तों यहां देख सकते हैं फोटो और वीडियो सब यहां से गायब हो गया। अब यहां से भी गायब हो गया दोस्तों तो घबराइएगा नहीं, फोटो आपका गैलरी में 100% चला गया। तो इसको बैक आना है, बैक आइएगा तो यहाँ देख सकते हैं दोस्तों फिर से मेरा जिस तरह गैलरी में फोटो था फाइल बाई फाइल सभी यहाँ पे चला आया। देख सकते हैं ऑल में 372, कैमरा में 2, वीडियो 69, स्क्रीनशॉट 71, यानी जितना फोटो वीडियो सब था सब यहाँ पर चला आया। उसके बाद इसको हम कट करके पूरा टैब को क्लोज करते हैं और फिर से हम इसको ओपन करके आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं डायरेक्ट फोटो में भी यहाँ पे मेरा सब फोटो शो और वीडियो करने लगा, उसके बाद दोस्तों एल्बम में भी मेरा सब कुछ शो करने लगा। अब चलिए हम फाइल मैनेजर को ओपन करते हैं, माई फाइल्स पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं दोस्तों फोटोज मेरा 303 है, वीडियो 69 को है, ये सब यहाँ पे शो कर दिया। तो इस तरह दोस्तों आपके मोबाइल में अगर फोटो डिलीट हो गया या वीडियो डिलीट हो गया है तो आप रिसेंटली डिलीटेड में जाकर रिस्टोर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए दोस्तों मेरे पास 2 फोटो था और इम्पोर्टेंट फोटो था डिलीट हो गया, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एल्बम पर हम क्लिक कर रहे हैं तो रिसेंटली डिलीटेड का ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है। तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल ऊपर करना है, ऊपर जैसे कीजिएगा दोस्तों यहाँ सबसे नीचे शो करेगा रिसेंटली डिलीटेड, यहाँ देख सकते हैं अभी 0 शो कर रहा है। अगर डिलीट हो गया है तो यहाँ पे 2 आइटम या 4 आइटम जितना डिलीट हुआ है सब यहाँ पे शो कर देगा।